Hello friend, this is Sangam Bifori and welcome back to my channel YP. Friends, in this video I'm going to talk about Lurie injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि एक तरह से आपके लिए वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न ले, सेल्फ मेडिकेशन कतई न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। तो कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लोरी इंजेक्शन। फ्रेंड्स, लोरी इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रेपुटेड इंजेक्शन है जो कि प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन होता है या प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन होता है। यहाँ पर प्रेस्क्रिप्शन कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर यह हो रहा है कि ये इंजेक्शन आपको डॉक्टर के लिखे तो प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा ही मिल सकता है क्योंकि ये नारकोटिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसे मोड ऑफ एक्शन होते हैं, इन सारी बातों को समझेंगे हम लोग इस वीडियो में डिटेल से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को न्यून फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय न्यून फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स, न्यून फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कुछ और इंजेक्शन जो तैयार होते हैं मैं उसके बारे में बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपने ट्रोपिन सुना हो, ट्रोपिन इंजेक्शन जो कि एट्रोपिन तैयार करता है वो भी न्यून फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फिर एनाबिन हेवी भी आपने नाम सुना होगा, उसको भी न्यून फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्योंकि अब देखिए, अब मैंने इतनी सारी बात बताई है तो इसका मतलब ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं अपने आप में वैल्यूएबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कि इसके एक डब्बे में, एक बॉक्स में कितने एम्प्यूल्स होते हैं। फ्रेंड्स, इसके एक बॉक्स में 5 एम्प्यूल्स होते हैं जिसकी कीमत लगभग 50 से 60 रुपये के आसपास में होती है। वहीं पर जहाँ मैं एक एम्प्यूल की बात करूँ तो एक एम्प्यूल सिंगल डोजेस पर्पस होता है जिसकी कीमत मुश्किल से 12 से 13 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया था। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन, इस इंजेक्शन के अंदर बेसिकली डाइजेपाम मॉलिक्यूल्स पाया जाता है जो कि सेडेटिव इफेक्ट रखता है। सेडेटिव कहने का मतलब नींद लाने वाला इफेक्ट रखता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि डाइजेपाम इसके अंदर पाया जाता है। अब फ्रेंड्स, अब बारीकी से समझते हैं कि डाइजेपाम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है या इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इसका इस्तेमाल किया जाता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी कहने का मतलब किसी पेशेंट को मिर्गी के झटके आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड एंड कन्वल्जन, बार बार किसी को दौरे पड़ रहे हैं, उठ रहा गिर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड कहते हैं मसल स्पाज्म, और किसी व्यक्ति को मसल स्पाज्म हो गया, किसी का दर्द वगैरह ये सब हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है एंजाइटी और डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन को भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का ज़बरदस्त इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे तो कॉमन यूसेज था, मैंने बताया कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बताया एपिलेप्सी, ठीक है, कन्वल्जन, मसल स्पाज्म, फिर आपको मैंने बताया एंजाइटी, डिप्रेशन, और अल्कोहल विड्रॉल को भी सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अल्कोहल छोड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यूसेज आपको समझ में आएगा। चलिए मैं अपने अनुभव के अनुसार एक एडवांस लेवल का यूसेज आपको बताता हूँ जो कि हम लोग करते हैं जब नर्सिंग होम पर जब भी रहते हैं। ठीक है, तो वो एडवांस लेवल का यूसेज क्या है कि प्री सर्जरी के पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि कोई भी अगर सर्जरी को अगर हमें विटामिन पर करना हो या ऐसे, तो उसके पहले हम लोग लोरी 1 एम्प्यूल आईवी स्लोली देते हैं। ठीक है, आईवी स्लोली देते हैं। लोरी देने से क्या होता है कि सेडेटिव इफेक्ट होता है, डाइजेपाम होता है इसके अंदर, पेशेंट को क्या होता है कि नींद आने लगता है। उसके बाद विटामिन 1 का 5, 2 का 10 ऐसे बना के धीरे धीरे आईवी स्लोली देते हैं ताकि पेशेंट पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाए। तो फ्रेंड्स, अनकॉन्शियस होने के बाद क्या होता है कि जब डॉक्टर सीजर लगाते हैं, ठीक है, चीरा लगाते हैं बार पार्कर से, तो उसको पता नहीं चलता है पेशेंट को कहाँ क्या हो रहा है, वरना बहुत दर्द करेगा। तो प्री सर्जरी भी इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जाता है कि अगर विटामिन पे पेशेंट को अनकॉन्शियस करना हो तो उसके लिए पहले डाइजेपाम दिया जाता है, लोरी इंजेक्शन आईवी स्लोली दिया जाता है, उसके बाद विटामिन 2 का 5, 1, 2 का 10, 1 का 5 बना के दिया जाता है। उसके बाद ही डॉक्टर अपना हाथ लगाते हैं पेशेंट को, उसके बाद डॉक्टर अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना नर्सिंग होम का अनुभव शेयर किया आपके साथ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके इसका कंट्राइंडिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंट्राइंडिकेशन को समझने से पहले आप मोड ऑफ एक्शन समझ लो, ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, अगर मैं मेडिकल टर्म में, इफ आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन मेडिकल टर्म्स, इट इज नॉट अ कप ऑफ टू टू गेट इट इजली, कि
मैं अगर मुझे मेडिकल टर्म में समझाना पाऊँ तो ये आसान बात नहीं कि आप आसानी से समझ जाओगे, कि इसी वीडियो को मेडिकल स्टूडेंट के साथ साथ कुछ अन्य स्टूडेंट है जो अपना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते वो भी देखते होंगे, ठीक है। तो मैं जनरली समझा कि यह मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है कि देखो जी, हमारे ब्रेन में ना न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं कि हमारे शरीर में किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो वो जाके बताता है कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है। तो वो जो रास्ता जो जाता है उसी रास्ता को ब्लॉक कर देता है, तो पता ही नहीं चलता कि शरीर में क्या हो रहा है। डाइजेपम यही काम करता है कि शरीर में क्या हो रहा है क्या ना, कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे मान लो आपका घर जाने का रास्ता यहाँ से यहाँ तक सीधे हो, ठीक है, तो अगर रास्ते में कोई परेशानी नहीं है तो आप सीधे घर आओगे, ठीक है। लेकिन मान लो कि आप घर आने की कोशिश कर रहे हो, रास्ते में कुछ तूफान आया और ये रास्ता टूट गया, ठीक है, उस पेड़ उड़ गिर गया, तो क्या यहाँ पे रुक जाओगे? नहीं, आप घर आ पाओगे? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं इधर से उधर मैसेज को क्या मैसेंजर का काम करते हैं, न्यूज एजेंसी की तरह काम करते हैं, वो न्यूज को इधर उधर ले जाते हैं, ठीक। कोई भी परेशानी होती है शरीर में तो वो क्या करता है, उसको जाके वो ब्लॉक कर देता है, तो पता ही नहीं चलता है कि शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मेडिकल टर्म्स में बात करें तो बहुत लंबा जाएगा, गाबा रिसेप्टर जाएगा, साइनेप्सिस जाएगा, फिर न्यूरॉन्स जाएंगे, तो वो आपको समझता है। जनरली ये समझो आप कि ये क्या करता है कि जो मैसेज ट्रांसफर करता है इधर से उधर उसको ब्लॉक कर देता है ताकि वो पता ही ना चले, ठीक है, कि क्या शरीर में हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे जिस रास्ते से आप घर जा रहे हो तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, आप दूसरे रास्ते ढूंढते हो लेकिन आप जा नहीं, उसी रास्ते से नहीं जा पाओगे, तो ठीक उसी प्रकार ये क्या करता है, वो उस न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर देता है ताकि आपको समझ, ताकि आप आपके शरीर में क्या हलचल हो कुछ पता न चले। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से काम करता है, और मेडिकली टर्म में समझाना इतना आसान नहीं, इसको लेक्चर अटेंड आपको करना पड़ेगा, इसके लिए मेडिकल क्लास वगैरह से समझ में आएगा आपको, ठीक है। जनरल मैंने उम्मीद किया कि जनरल भाषा में या साधारण भाषा मैंने आपको समझा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके कंट्राइंडिकेशन, जैसे कंट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकता है। कंट्राइंडिकेशन कहने का मतलब किस पेशेंट को नहीं देना है। अगर कोई पेशेंट लीवर डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको आपको नहीं देना। आप पूछ लीजिए पेशेंट की हिस्ट्री, जान लीजिए क्या है क्या। लीवर डिजीज बहुत सारे हो सकते हैं, लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, फिर एजीओटी ये सब भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये पूछ लीजिए। जॉन्डिस हो सकते हैं कि इससे सारी बातें पूछ लीजिए, अगर कोई दिक्कत है इसमें तब नहीं दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं किडनी डिजीज, और कोई व्यक्ति किडनी डिजीज से सफर कर रहा है, किडनी में स्टोन है या यूरेटर के माध्यम में स्टोन, तो उस समय वैसे पेशेंट को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज से भी सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स कंट्राइंडिकेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दवा देना आसान काम है लेकिन ये क्या किसके साथ मिलकर क्या कर देगी उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ है। तो फ्रेंड्स ये जनरली मैंने बताया आपको कि कोई अगर लीवर डिजीज से सफर कर रहा है या किडनी डिजीज से सफर कर रहा है या हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज है तो उस पेशेंट को आप कभी न दें। और कुछ बात मैं जो महिलाओं से रिलेटेड मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा रही, बच्चों को स्तनपान करा रही, दूध पिला रही, उससे भी आपको नहीं देना है, और प्रेग्नेंट लेडी या प्रेग्नेंट वूमन को भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ कंट्राइंडिकेशन थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स, कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके साइड इफेक्ट डिजीनेस ड्राउजीनेस, आलस आएगा, आप उठोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे आप मान लो कोई आदमी बार बार झटके लग रहे हैं, गिर रहा है, जब वो इंजेक्शन पड़ता है उठता है आदमी, बात कहीं और करेगा, देखेगा कहीं और, बोलेगा कुछ और, सोचेगा कुछ और, तो ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, एपिलेप्सिक पेशेंट को जब लगते हैं तो थोड़ा सा ऐसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो, ठीक है, उसको समझ में नहीं क्या। याद रखिए डिजीनेस ड्राउजीनेस इसका ज़्यादातर साइड इफेक्ट देखा गया, ठीक है। उसके बाद आता है डायरिया, डायरिया भी हो सकते हैं आपको, रेडनेस ऑन स्किन, डायरिया के अलावा कुछ और साइड, रेडनेस ऑन पूरे जो स्किन है उसमें सारे आपको रेडनेस चकत्ते हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लर विजन, कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देगा आपको, अपने सामने पूरा क्लियर नहीं दिखाई पाए दिखाई देगा आपको, तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैंने कुछ साइड इफेक्ट्स इस तरह से बताया, डिजीनेस ड्राउजीनेस, ठीक है, ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, उसके बाद डायरिया, फिर उसके बाद मैंने बताया आपको रेडनेस ऑन स्किन, उसके बाद मैंने आपको बताया रेडनेस ऑन स्किन, उसके बाद मैंने बताया ब्लर विजन। तो फ्रेंड्स ये सारे आपको साइड इफेक्ट्स भी अच्छे से सतह से समझ में आ गया। फ्रेंड्स बेसिकली ये बात करें डोज की तो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये डोज बताना सही नहीं, लेकिन बेसिकली जब जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर के प्रेस में 1 एम्पुल लोग देते हैं एक पेशेंट को, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से शानदार तरीके से जबरदस्त तरीके से समझ में आए। तो फ्रेंड्स अब आपको डायजेपाम और लोरी इंजेक्शन में कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में, कहाँ यूज करते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, कौन से कंपनीज को मैन्युफैक्चर, सारी चीज़ें आपको आसानी समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद, बाय, टेक केयर, थैंक यू।